आचार्य जी से मिलने के लिए संपर्क करें। मुंबई 12 मार्च व 20 अप्रैल, जयपुर 17 अप्रैल, चंडीगढ़ 18 अप्रैल, दिल्ली 19 अप्रैल। इसके अतिरिक्त टेलीफोन अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन और हृदय से स्वागत। साथियों, भारत भ्रमण के दौरान और लोगों की हजारों जन्म पत्रिकाओं के विश्लेषण के बाद में एक बहुत बड़ा संकट मुझे देखने को मिला और वो संकट था मंगल से संबंधित। जितनी भ्रांतियां मंगली दोष और उसके प्रभाव को लेकर है, मुझे नहीं लगता कि उतनी किसी और दोष को लेकर के है। काल सर्प योग से भी ज्यादा इसको लेकर के लोग चिंतित हैं, व्यथित हैं और कहीं ना कहीं दहशत में हैं। इसीलिए मैं ये एक सीरीज लेकर के आया हूं और ये खास तौर पर ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो कि सामान्य जानकारी रखते हैं, जो भारत का सामान्य जन है, कुंडली मिलान करना चाहता है या विवाह में किसी न किसी प्रकार के उसके बाधा आ रही है या वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है। मंगल की एक एक करके सभी परतों पर से बिल्कुल सरल भाषा में और आम व्यक्ति के लिए जानकारी लाना, यही मेरे कार्यक्रम का उद्देश्य है। और सबसे बड़ा संकट, आज आपने इस विषय के बारे में पढ़ा है, शीर्षक भी पढ़ा है, उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि क्या मंगली व्यक्ति से शादी करने के बाद में मृत्यु योग होता है। जो भी मुझसे मिलने को आता है वो सीधा ये बात कह देता है, प्राइमा फेसी आउटराइटली वो ये बात कहता है। शादी के बाद भी लोग दहशत में जी रहे हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। उससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के एक प्रश्न का उत्तर देते हैं जो कि हमें कमेंट के माध्यम से आप ही के द्वारा प्राप्त हुए हैं, तो आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। कई सारे प्रश्न हैं और कई सारी जिज्ञासाएँ हैं, वो सभी शांत होंगी यहाँ पर, खास तौर पर मंगल को लेकर के। कुछ लोगों का यह भी प्रश्न था कि पहले तो लोग कुंडलियां नहीं मिलाते थे, अब क्या हुआ कि अब कुंडली मिलाना जरूरी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हजारों सालों से सनातन धर्म में कुंडली मिलान होता चला आया है। और ऐसा भी हो सकता है कि कई केसेस में कुंडली नहीं मिलाई हो परंतु वो अपने आप ही मिली हुई कुंडली हो। फिर कहते हैं कि एक मंगली व्यक्ति है, एक दूसरा जो कि नॉन मंगली है, उन्होंने विवाह कर लिया, जो नॉन मंगलिक है वो अभी तक जीवित है। इस प्रकार के बचकाना और कुतर्क, मैं इसको कुतर्क ही कहूँगा, इस प्रकार के लोग कहते हैं, तो कहाँ तक सच है ये मृत्यु होने वाला तथ्य बात करेंगे। मिलान में इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं कुछ एक क्लासिकल रेफरेंस यहाँ पर देना चाहूँगा। कुछ ग्रंथ हैं हमारे, सर्वार्थ चिंतामणि, चमत्कार चिंतामणि, देव केरलम, भावदीपिका, अगस्त्य संहिता, इन सब में एक श्लोक आता है। वो श्लोक क्या है और उसका अर्थ क्या है वो जान लेते हैं हम लोग। वो श्लोक ये है कि लग्ने व्यय चपाताले जामित्र चाष्ट में कुजे, भार्या भर्तृ विनाशाय भर्तृश्च स्त्री विनाशकम्। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जन्म कुंडली के माध्यम से हम देख लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका के 1, 4, 7, 8 या 12 इन भावों में से किसी भी भाव में मंगल यदि विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने स्त्री के लिए, या अगर स्त्री है तो वो अपने पुरुष के लिए मृत्यु कारक होती है। ऐसे व्यक्ति से शादी करने वाला जो व्यक्ति है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है अगर वो मंगली नहीं है तो। परंतु इस पर ही हमें रुक नहीं जाना चाहिए। इस श्लोक, इस मंत्र के बाद भी परवर्ती कारिकाएं ऐसी हैं जहां पर हमें मंगल के कई काट नजर आते हैं। ये मंत्र जो है ये अपने स्थान पर बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु इसके अपवाद क्या क्या हैं उस पर चर्चा करेंगे। ऐसी स्थिति जब पुरुष की कुंडली में होती है तो उसको कहा जाता है मौलिया मंगल, और अगर स्त्री की कुंडली में है तो उसको कहा जाता है चुनरी मंगल। और जब भी ऐसे व्यक्ति को मंगल की दशा या अंतरदशा आती है तब इस प्रकार के संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। अब आते हैं मूल प्रश्न पर कि क्या ऐसा होता है। ऐसा होता है पर जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। यदि कुंडली मिला करके विवाह किया गया है तब ऐसा नहीं होगा,
यदि इसके काट करके विवाह किया गया है तब ऐसा नहीं होगा, परंतु यदि इस प्रकार की स्थिति है और बिना कुंडली मिलाए विवाह किया गया है और एक व्यक्ति जो है वो मंगली नहीं है, उसने मंगली व्यक्ति से विवाह किया है, तो जरूरी नहीं है कि वो मृत्यु को ही प्राप्त हो। इसका एक व्यापक अर्थ है। मृत्यु को प्राप्त होने का मतलब यह है कि वो ऐसे संकट से गुजरता है, ऐसी समस्याएं उसकी जिंदगी में आती हैं, खास तौर पर जीवन साथी को लेकर के, कि वो ईश्वर से ये मांगता है कि यदि ऐसे दिन दिखाने थे तो इससे अच्छा था कि मुझे मृत्यु ही प्रदान क्यों नहीं कर दी गई। समस्या से आसान उस व्यक्ति को मृत्यु लगने लगती है। शादी के बाद में यदि पति पत्नी में इतने ज़्यादा झगड़े हैं कि उन दोनों में से एक व्यक्ति जो है वो ईश्वर से मृत्यु की मांग कर रहा है, तो ये मृत्यु से बढ़कर ही तो हुआ। मृत्यु में तो एक बार व्यक्ति का छुटकारा हो जाता है, परंतु जीते जी जो रोज मरता है, मुझे लगता है कि मंगल की इससे ज़्यादा प्रताड़ना नहीं हो सकती। मृत्यु आसान है, परंतु दुखों को झेलते हुए जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यदि किसी का, तो उसकी स्त्री ईश्वर से यही मांगती है कि भाई ऐसे पति से अच्छा तो मुझे जो है तुम मृत्यु प्रदान कर दो। ये मृत्यु से भी बदतर स्थिति है। यदि ससुराल पक्ष से परेशानी है किसी को भी, तो वो भी ऐसी ही बात करता है। नशे का बहुत ज्यादा आदि है यदि कोई पति, तो उसकी पत्नी, मेरे पास ऐसे हजारों लाखों उदाहरण है। तो मंगली व्यक्ति से विवाह करना कोई ये जरूरी नहीं कि भौतिक रूप से शारीरिक रूप से मृत्यु का प्रदान करता है, बल्कि वो आपको उसकी दशा या अंतर दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट या ऐसी समस्या, ऐसा भीषण दुख कि मृत्यु भी आपको उसके आगे छोटी लगे, इस प्रकार की देता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये प्रयास आपको बेहतर लगा होगा। मंगल की ये सीरीज मैं निरंतर जारी रखूंगा क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता लगती है। इसका कंक्लूजन यही है कि कुंडली मिला करके पूरे वैदिक रीति से उसका यदि कोई तोड़ है तो वो करके फिर विवाह बंधन में बंधा जाए। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है आभा परांजपे जी का, जो कि हमें लिखा है ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आभा जी, आपने लिखा है कि किस क्षेत्र में आपको करियर का चुनाव करना चाहिए। आभा जी, गुरु जो हैं वो आपके आजीविका के लॉर्ड हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप शिक्षा से संबंधित किसी क्षेत्र में, जिसमें या फिर सलाह देने के किसी क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के किसी क्षेत्र में आपको करियर बनाना चाहिए, गुरु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। मेरी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का छोटा सा प्रयास। यदि आपको हमारा ये प्रयास कहीं ना कहीं बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला लग रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो अलार्म बटन है, जो घंटी का बटन है, वो जरूर दबाइए ताकि हमारे ये छोटे से प्रयास तुरंत आप तक पहुंच सके। मुझे अपना स्नेह देने के लिए लाइक जरूर कीजिए और अपने लोगों तक इस कार्यक्रम की भलाई को पहुंचाने के लिए कृपया शेयर जरूर कीजिए। आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।